हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आप सोच रहे हैं कि हम अपना अकाउंट ओपन करवाएं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि IPPB में क्या सा फैसिलिटी दिया जाता है आज इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। IPPB में बहुत सारे फैसिलिटी जो है नहीं दिए जाते हैं, वो कौन कौन से इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं और बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ले सकते हैं कि IPPB में अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखिएगा जरूर, शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपको बहुत सारे सुविधा का लाभ मिलेगा, जैसे बिल भुगतान करना, मोबाइल रिचार्ज करना, गैस का रिचार्ज करना, DTH रिचार्ज करना, फंड ट्रांसफ़र करना। यहाँ पे आपको ये सब जो है सेवा का लाभ ले सकते हैं और फोन बैंकिंग भी आपको यहाँ पे सुविधा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कितना उम्र पे खाता खोला जाता है। तो यहाँ पे आप जो 10 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति नियमित बचत खाता खोल सकता है, यानी कि खोलने का योग हो जाता है, बशर्ते आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड का कोई भी एक जीरोक्स लेके जाना होगा तो आपका जो है खुल जाएगा। अगर आप अपने से खोलेंगे तो आप अपने से फोन बैंकिंग की सुविधा से आप खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं एक से अधिक नियमित बचत खाता खोल सकता हूँ। ये इसका कहने का ये मतलब है, एक आदमी दो खाता खोल सकता है, नहीं, आपको जो है किसी विशेष उत्पाद के अंतर्गत केवल एक ही खाता खोलने की अनुमति दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं संयुक्त रूप से नियमित बचत खाता खोल सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप ज्वाइंट इसमें खाता खोल सकते हैं, नहीं, आपका जो है ज्वाइंट खाता इसमें नहीं खुलेगा। आप संयुक्त रूप से नियमित बचत खाता नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि खाता केवल एक ही व्यक्ति के नाम पर हो सकता है। तो यहाँ पे खाता खोलने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड भी लग सकता है, उसके बाद पैन कार्ड भी लग सकता है, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लगेगा जो कि आपके अकाउंट के साथ लिंक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस खाता को खोलने के लिए आवश्यकता न्यूनतम जमा राशि कितना करना पड़ेगा जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुल जाए। तो यहाँ पे आपको जीरो बैलेंस पे खाता खोला जाता है। यहाँ पे अगर आप 500-600 जमा नहीं भी करेंगे तो आपका जीरो बैलेंस पे खाता खुल जाएगा। तो आपका मन है, अगर आप जमा कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं और अच्छी वाली बात है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका जीरो बैलेंस खाता खोला जाता है। अगर आपका मन है तो आप जमा कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी न्यूनतम राशि जमा नहीं करना पड़ता है जैसे और भी बैंकों में जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मुझे नियमित बचत खाता के रख रखाव के लिए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता है। इसका कहने का ये मतलब है, आपका जो है बैलेंस मेंटेनेंस करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नहीं, आपको यहाँ पे कोई भी बैलेंस मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है जो कि आपको इतना ही रुपया रखना है, जो कि और सभी बैंकों में जो है बैलेंस मेंटेनेंस किया जाता है, लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका जो है बैलेंस मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। आप 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपया कुछ भी यहाँ पे मेंटेनेंस इधर उधर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक माह में कितना बार नगद निकासी कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे आप कितना बार कैश निकाल सकते हैं। आप एक माह में ओसी की अनलिमिटेड नगद कर सकते हैं, हालांकि राशि पर कुछ सीमाएं लागू होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक माह में कितनी बार नगद जमा कर सकता हूं। तो यहां पे आप एक माह में असीमित नगद जमा कर सकते हैं, हालांकि राशि पर कुछ सीमाएं लागू रहेगी। क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका जो है 1 लाख ही रुपया आप रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख से अधिक रुपया जमा करते हैं तो आपको एक दूसरा अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसका नाम है POSA। तो यहाँ पर ये अकाउंट आप खोल के और 1 लाख से भी ज्यादा आप रख सकते हैं। फिलहाल इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आप 1 लाख से अधिक नहीं जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा, एक QR कोड मिलेगा जो कि बार कोड का डिजिटल रूप है, जिसका उपयोग बैंक खाते पहचान के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है, क्या QR कोड ATM में उपयोग कर सकते हैं। नहीं, ये एक डेबिट कार्ड नहीं है। QR कोड खो जाता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, नंबर है 155299। आपका QR कोड खो जाता है तो एक बार में आपको कोई भी शुल्क नहीं लगेगा मंगाने के लिए, अगर दूसरा बार आप मंगाते हैं तो यहाँ पे आपको 25 रुपया शुल्क देना पड़ेगा, तभी आपका QR कोड आएगा। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं डिमांड ड्राफ्ट के लिए अनुरोध कर सकता हूँ। नहीं, वर्तमान में हम नियमित बचत खातों के लिए डिमांड ड्राफ्ट की सुविधा प्रदान नहीं करते, यहाँ पर कोई भी आपको डिमांड ड्राफ्ट की सुविधा नहीं मिलेगा।
तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में क्या क्या सुविधा मिलता है, क्या क्या सुविधा नहीं मिलता है, तो इस वीडियो में हम आपको सारा चीज़ बताए हैं। तो अगर कुछ भी छूट जाए, कुछ भी रह जाए, अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे हम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।